SC/ST एक्ट में संशोधन को लेकर तमाम दल अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ का मानना है कि इस एक्ट में बदलाव जरूरी है तो कुछ इसके खिलाफ हैं। यहां तक कि एक्ट को लेकर NDA में भी दो फाड़ है। अब इस बयानबाजी के बीच लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को दी जा चुकी चॉकलेट समझा बुझा कर ही वापस ली जा सकती है। SC/ST एक्ट में संशोधन को वापस लिया जाए या नहीं, इसे लेकर मोदी सरकार के सामने संकट आ गया है, क्योंकि एक तरफ शेड्यूल कास्ट है तो दूसरी तरफ सवर्ण समाज। अगर शेड्यूल कास्ट का साथ देते हैं तो सवर्णों का वोट बैंक खिसकना तय है, और अगर सवर्णों के साथ गए तो अनुसूचित जाति का साथ छूट जाएगा। इसलिए सरकार को समझ नहीं आ रहा कि जाए तो जाए किधर। सत्ता की दहलीज तक पहुंचने के लिए दोनों का ही साथ जरूरी है। सरकार की इस कश्मकश के बीच लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को इस विषय पर मिलकर विचार विमर्श करना चाहिए। इस मुद्दे पर राजनीति नहीं की जा सकती। इसी के साथ ही उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि मान लीजिए कि अगर मैंने अपने बेटे के हाथ में बड़ी चॉकलेट दे दी और मुझे बाद में लगा कि एक बार में इतनी बड़ी चॉकलेट खाना उसके लिए अच्छा नहीं होगा, अब आप बच्चे के हाथ से वह चॉकलेट जबरदस्ती लेना चाहें तो आप इसे नहीं ले सकेंगे, मगर दो या तीन समझदार लोग बच्चे को समझा बुझा कर उसे चॉकलेट ले सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि किसी व्यक्ति को दी हुई चीज अगर कोई तुरंत छीनना चाहे तो विस्फोट हो सकता है। सुमित्रा महाजन ने भले ही चॉकलेट का उदाहरण दिया हो, लेकिन उनके इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सरकार ने SC/ST एक्ट पर शेड्यूल कास्ट को लॉलीपॉप पकड़ाया है, जिसे समय आने पर वापस ले लिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ये मोदी सरकार के लिए बड़ी परेशानी का सबब होगा, जिसका हर्जाना उसे चुनाव में चुकाना पड़ सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें।